नमस्कार। कुछ समय आनापान के साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर सुखासन में बैठ जाएं। कमर, पीठ, गर्दन को सटीक रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। सांसों को नासिका से लेते हुए सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करें। आते हुए सांस को आता हुआ जाने और जाते हुए सांस को जाता हुआ जाने। केवल जानना है अपने सांसों के आवागमन को। केवल जाने स्वाभाविक सांसों पर ध्यान बनाए रखे। मन को नासिका के द्वारों पर लगाए रखे। अब धीरे धीरे मन को हम अधिक सूक्ष्म बनाने के लिए कार्य अभ्यास करेंगे। मन को अब नासिका के द्वारों से लेकर ऊपर वाले होठों के क्षेत्र में केंद्रित करें, यानी कि मूंछों वाले क्षेत्र में मन को लगाए रखें। आते हुए सांस को आता हुआ जाने और जाते हुए सांस को जाता हुआ जाने। अब धीरे धीरे यह जानना है कि सांसों के आवागमन के दौरान नासिका के द्वारों से लेकर ऊपर वाले होंठ के स्थान पर क्या कोई संवेदना अनुभव हो रही है। मन को संवेदनाओं को जानने के कार्य में लगाए रखें। यह जानें कि ऊपर वाले होठों से लेकर नासिका के द्वारों तक कहां कहां संवेदना उद्भव हो रही है। केवल संवेदनाओं को जानना है। सजगता पूर्वक संवेदनाओं को जानना है।
संवेदना के स्वरूपों को जानना है। संवेदना कभी पसीने के स्वरूप में उद्भव होती है, तो कभी सूखेपन में, कभी खुजलाहट में, तो कभी तनाव या खिंचाव के स्वरूप में, कभी पड़कन तो कभी धड़कन, कभी चरचराहट, कभी गुदगुदाहट, कभी गर्माहट, कभी शीतलता के रूप में संवेदना इस क्षेत्र में प्रकट होती है। संवेदनाओं को केवल निरीक्षण करें। मन को सांसों के साथ अब संवेदना को भी देखने का कार्य सौंप दें। सांस जब आती है तो कहाँ कहाँ छूती है, और सांस जब बाहर जाती है तब कहाँ कहाँ स्पर्श करती है, इसका अनुभव करें। मन को उन संवेदनाओं को जानने के लिए ऊपर वाले होंठ से लेकर नासिका के द्वार तक के क्षेत्र में सीमित कर दें। केवल संवेदनाओं का अनुभव करें। कभी गर्माहट तो कहीं शीतलता, कहीं खुजलाहट तो कभी चरमराहट, पसीना, गीलापन, खिंचाव, तनाव, धड़कन, फड़कन, किसी भी प्रकार की स्थूल या सूक्ष्म संवेदनाओं को जानना है, केवल जानना है। मन को केवल नासिका के द्वार और ऊपर वाले होंठ तक सीमित करें। मन धीरे धीरे तीक्ष्ण और सूक्ष्म होता जाएगा। मन जितना तीक्ष्ण और सूक्ष्म होगा, संवेदनाओं का अनुभव जान पाएगा।
आनापान का आज का अभ्यास हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी मंगल भावना के साथ सबका भला हो, सब स्वस्थ हो।